रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मोकामा व गोपालगंज में 3 नवंबर को उपचुनाव को लेकर होगी वोटिंग। आरजेडी विधायक अनंत की पत्नी लड़ सकती है चुनाव। पटना में नेता प्रतिपक्ष ने कृषि मंत्री के इस्तीफे को बताया सही। नीतीश सरकार पर खड़े किए कई सवाल। दुर्गा पूजा को लेकर मुजफ्फरपुर में जारी हुआ हाई अलर्ट। उपद्रवियों की सीसीटीवी कैमरे से की जा रही निगरानी। बिहार के सरकारी स्कूलों में व्यवस्था सुधारने के लिए चल रही है कवायद। सरकारी शिक्षकों को मिलेगी 3 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग। पटना सहित बिहार के कई जिलों में मौसम का बदला मिजाज। 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद सरकार के मंत्रिमंडल पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तभी से भाजपा के किसी न किसी नेता और मंत्री के द्वारा बिहार सरकार पर हमला बोला जा रहा है, जिसको लेकर सरकार में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार सरकार का बचाव करते हुए कहा कि उनका कोई निजी कारण होगा, इस वजह से सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया है। नहीं, देखिए, सबको जोड़ कर देखने की जरूरत तो है नहीं, अलग अलग कारण होता है। और कभी किसी का इस्तीफा, किसी का शपथ ग्रहण, ये तो सामान्य प्रक्रिया है, चलता है। जहाँ तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे की बात है, तो इस्तीफा देने का क्या कारण है, खुद ही जगता बाबू ने इस्तीफा की सूचना देते हुए बताया है। हमने भी सुना है उसको, कह रहे हैं जगता बाबू कि लड़ाई आगे न बढ़े, सरकार ठीक से चलती रहे, इसलिए उनका इस्तीफा हुआ। कोई भी चाहेगा, अब लड़ाई का मतलब क्या जगता बाबू के कहने का अर्थ है उसको नहीं मालूम। तो पहले तो वो अपना कैरेक्टर बताए, और हम तो प्रयास कर रहे हैं, बार बार हमने कहा है कि पूर्णिया में हम एयरपोर्ट बनाएंगे, इसके लिए जमीन बिहार सरकार दे, हम उसका काम की शुरुआत करेंगे। और आपने देखा है कि हम दरभंगा में एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, और जिन लोगों ने ये कहा कि हम टिकट कटा देंगे, तो हम उनको आश्वस्त करते हैं, उनका टिकट कटाकर उनको तिहाड़ जेल भेजेंगे। जिस तरह से सीएम की मीटिंग में वॉकआउट करके गए, जिस तरह उन्होंने कृषि रोड मैप को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिन्होंने सारे अधिकारी को चोर बताया, और इसके बाद भी वो सरकार में थे, बयानबाजी रोज कर रहे थे, और मुख्यमंत्री जी आहत थे, तो ये जदयू का दबाव राजद पे होगा, तभी तो ये त्यागपत्र हुआ है। और ये साफ हो गया है कि जदयू राजद के बीच में महागठबंधन नहीं है, बल्कि महाफूट है। नेता श्री तेजस्वी यादव जी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, और वास्तव में इधर लगातार ये कयास चल रहे थे कि वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने महागठबंधन की सरकार में कृषि विभाग में जो चीज़ें चल रही थी उससे नाखुश थे, और जो महागठबंधन का नेतृत्व है वो भी नहीं चाह रहा था कि इस तरह की चीज़ें उजागर हो, सरकार की बदनामी हो रही थी, और ये कृषि विभाग में जो कई चीज़ें अवैध रूप से चल रही थी, जो भ्रष्टाचार चल हो रहा था, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और उसी का यह परिणाम है कि इन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो मैं लड़ाई लड़ी गई थी उसी के गोद में जा कर के, जेपी के जो परम शिष्य अपने को कहते थे माननीय नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी बैठ गए हैं, और आज सिद्धांत विहीन राजनीति का जो वोट हर जगह लगवाते थे, आज उसको भी उतार करके चोला फेंक दिए। तो इनकी करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं।
बिहार में महागठबंधन की सरकार बने हुए अभी एक भी महीने नहीं हुए हैं कि पहले कार्तिक कुमार ने विधि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तो अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कई मंत्री ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे और हिम्मत कर रहे हैं जो सुधाकर ने सिंह ने किया है वो सही फैसला है, क्योंकि सरकार में सिर्फ अफसरशाही का राज है। तो चलिए सुनते हैं कि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने और क्या कुछ कहा है। देखिए, ये सरकार भ्रष्टाचारी और अपराधियों की जमात की बनी हुई है। सिद्धांत विहीन राजनीति की जब सरकार बनती है, मजबूरी में बनी हुई सरकार में कई मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक परत खुल रहा है। और ऐसे भी जब कृषि मंत्री जी ने बताया कि हमारे पदाधिकारी चोर हैं और हम चोरों का सरदार हैं, तो ये बड़ा गंभीर विषय था, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए था। विधायिका को हमेशा ये कमज़ोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, और भ्रष्ट पदाधिकारियों पर इनका विश्वास ज़्यादा होता है, जिससे प्रशासनिक अराजकता फैलती है। और आज कृषि मंत्री जी का ये बयान कहीं न कहीं भ्रष्ट पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाया है। स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जाँच करनी चाहिए और भ्रष्ट पदाधिकारी को हटाना चाहिए, अच्छे पदाधिकारी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बैठाना चाहिए। नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड स्थित बाजार इलाके में माता महाकाली मंदिर में जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने माता काली का पट विधि विधान के साथ खोला। पप्पू यादव ने भक्तों के बीच आध्यात्मिक ज्ञान देने के साथ साथ मानवता सेवा का गुर भी सिखाया। वहीं पप्पू यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार तो बदल गई है, लेकिन पदाधिकारियों की मानसिकता नहीं बदली है। और क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने, सुनिए। और आज ऐसे सुधाकर सिंह टाइप के लोगों से नीतीश, जिसे मैं आग्रह करूंगा एक मिनट गमाए उनकी इस्तीफा को स्वीकार करना चाहिए। और तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, यदि एक मजबूत और अस्थिर सरकार और विश्वसनीय सरकार आप देना चाहते हैं, तो सुधाकर सिंह टाइप के मंत्री का इस्तीफा आपको ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे मंत्री जो लगातार हमारे विभाग में चोर चोर चोर, कौन चोर नहीं है, कोई जाति धर्म मजहब के आधार पर सुचित्रता का मतलब सिर्फ पैसा लेना देना नहीं है। चावल घोटाले की जांच यदि हो जाए तो पता चल जाएगा इन्हें। यूं तो जिले भर में नवरात्रि को लेकर अलग अलग जगहों पर पंडाल बनाए गए हैं, लेकिन इस बार भभुआ नगर निगम क्षेत्र के शिवाजी चौक पर दिल्ली के बिरला मंदिर थीम पर 7 लाख का पंडाल बनाया गया है, जो देखने में भव्य लग रहा है। जहां उसी पंडाल में माता रानी दुर्गा के 9 रूपों की भी मूर्ति स्थापित की गई है, जिसको लेकर नव युवक संघ समिति के सदस्य जॉन पटेल ने बताया कि इस बार इस पंडाल और मूर्ति को बनवाने में लगभग 5 से 7 लाख का खर्च आया है। उन्होंने बताया कि यहां दर्शन करने आने वाले लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मांगा जाता है एवं सीसीटीवी कैमरे के द्वारा असामाजिक तत्वों पर निगरानी की जाती है, ताकि भीड़ भाड़ में किसी भी तरह की कोई परेशानी भक्तों को ना हो सके। पंडाल जो हमारा ये दिल्ली का बिरला मंदिर है, मंदिर हम लोग हर एक साल मिस्त्री बहुत दूर दूर से सब बुलाए जाते हैं, एक महीना से यहाँ 1.5 महीना काम लगाया था पहले। ये दिल्ली का बिरला मंदिर बेस पे बनाया गया है इसको, पंडाल पंडाल को। अच्छा। हर साल मतलब अच्छे से अच्छे पंडाल बनाया जाता है यहाँ पे, और इसकी लागत करीब 5 से 6 या 7 तक आ जाता है। ये हम लोग का पंडाल के जो बनाने वाले लोग हैं, ये पूचस से आते हैं, कभी धनबाद से आते हैं, दूर दूर से। कितना दिन लगा? नालंदा के रहुई बाजार में बड़ी देवी पूजा समिति पश्चिम टोला देवी मंदिर भारत गैस गोदाम के पास स्थापित मां दुर्गा के पट जदयू नेता भवानी सिंह ने खोला, जिसके बाद पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मां भगवती की स्तुति एवं देवी मंत्रों से नजारा भक्तिमय हो गया। वहीं मौजूद जदयू नेता भवानी सिंह ने पूजा अर्चना कर मां दुर्गा से सुख शांति की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वर्षों से यहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती आ रही है। मौके पर उपस्थित समिति के अध्यक्ष संजय पासवान ने बताया कि पुजारी गुल्ली पांडे ने पूजा अर्चना कराई, जिसके बाद मां दुर्गा की
पट खोला गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज रोही ग्राम अंतर्गत हमारे यहाँ माँ भगवती का आज आगमन हुआ है और उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे जो पट खोला गया है माता का आज भव्य दर्शन स्वरूप सभी ग्रामवासियों को आज उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमारा ग्राम और पूरा प्रखंड हमेशा फलता फूलता रहे और माता की कृपा हमेशा बनी रहे, धन धान्य सुख संपत्ति से सदैव भरा रहे, यही मंगल कामना हमारा रहेगा कि माता अपने आशीर्वाद दें। हम लोग पश्चिम टोला देवी स्थान बड़ी माँ दुर्गा पूजा समिति की ओर से हर साल की भांति इस साल भी माता का पूजा अर्चना किया जाता है और हम लोग सप्तमी के दिन भवानी सिंह के द्वारा माता का पट खोला गया है और सभी जनतागण पूरे गांव का गांव गिराव गिर्द का सब आकर के माता का आरती मंगल में सम्मिलित होते हैं और सभी लोग का बहुत जय जयकार होता है। शारदीय नवरात्र के महाअष्टमी को माता की गोद भराई के लिए दुर्गा पूजा पंडालों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी है। शहर के भैंसासुर काली चौक पर महिलाओं की काफी भीड़ देखी गई। इसके अलावा शहर के अन्य पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं को खासकर महिलाएं 16 श्रृंगार कर हाथों में नारियल चुनरी धूप दीप अगरबत्ती लिए पूजा अर्चना को माँ के दरबार पहुंची रही। साथ ही दशहरा शांति पर्व सम्पन्न हो इसी को लेकर जिला प्रशासन भी चौकस रहा। हर चौक चौराहे पर पुलिस वालों की तैनाती की गई है ताकि मेले में असामाजिक तत्व खलल न डाल सके। वहीं शहर में भीड़ को देखते हुए बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूर्णता पाबंदी लगा दी गई है। नगर निकाय चुनाव में चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में नवादा नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी राजेश कुमार ने जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में वोट मांगे हैं। वार्ड नंबर 4 से हम खड़ा हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं, जनता को सेवा करने के लिए। मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी गली नली बचा हुआ है सबको पूरा करेंगे, विकास करेंगे, लाइब्रेरी में पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करेंगे, बच्चे लोग पढ़े लिखे शिक्षित बने, हमारे बाद का बच्चा लोग जो भी हमारे महल्ला में कमी है उसको पूरा करेंगे, बिजली पानी रोड लाइन पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था सब पूरा करेंगे, हमारा यही मेन उद्देश्य है। हम शुरू से भी समाज सेवा करते आए हैं, पब्लिक के बीच में सेवा करते रहेंगे। किन्हीं का इंदिरा आवास नहीं मिला है इंदिरा आवास दिलाएंगे, वृद्धा पेंशन जिनका रुका हुआ है वृद्धा पेंशन चालू करावेंगे, जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है उनको दिलवाएंगे, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है राशन कार्ड बनवाएंगे, मेरा यही मुख्य उद्देश्य है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गांधी जयंती के शुभ अवसर पर सपहा गांव में वृक्षारोपण सह निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीएसपी ब्रिजनंद मेहता, अध्यक्ष शांति कुमारी, सचिव चंद्र प्रकाश साह, संस्थापक अविनाश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान डीएसपी श्री मेहता ने कहा कि पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से मनुष्य जीवन पर खतरे पड़ रहे हैं, ऐसे में तापमान को नियंत्रण करने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम अति आवश्यक है। तो वहीं संस्थापक ने कहा कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करना है। गांधी जी के जो है उनके जो अहिंसा आंदोलन जो है वह बहुत ही सफल रहा और जो हम सभी छात्रों को और सभी शिक्षकों को भी जो है कम से कम मैं नैतिक रूप से जो है शिक्षा देने के लिए जो है मैं कहूँगा और कि गांधी जी को के आदर्श को पढ़ें और उसे अपने जीवन में उतारें। गांधी जी का जो सपना था अपना गांव आत्मनिर्भर बने, ग्राम स्वराज गांधी जी का सपना को लेकर के हम लोगों ने आज के परियोजना का नाम ग्राम स्वराज रखा है, जिससे कि हम लोग आगे चलकर गांव को आत्मनिर्भर बना करके एक नया भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। बक्सर में 24 सितंबर को नवविवाहिता की जिंदा जला देने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है।
बता दें कि कुछ दिनों पहले मुफसिल थाना क्षेत्र के कमरपुर गांव में एक नवविवाहिता को जिंदा जला दिया गया था। इस घटना की सूचना मिलने के बाद लड़की के मायके वालों ने बेटी के ससुराल पहुंचकर पति, ससुर और सहेली के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपी अभी भी पुलिस के पकड़ से दूर है। बता दें इस घटना के 5 दिन बाद एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो को लेकर SP नीरज कुमार सिंह ने कहा है कि इस वीडियो के प्राप्त होने के बाद पुलिस साक्ष्य बनाने के लिए आरोपियों के ऊपर अलग अलग धारा में FIR दर्ज करेगी। इस घटना को अंजाम देने वाले कोई भी दोषी बच नहीं पाएंगे। उसके बारे में अभी तक हम लोगों को कोई वीडियो प्राप्त है नहीं। जब आप बता रहे हैं तो उसको वीडियो कृपया करके हम लोगों को देंगे, थोड़ा हम लोग देखेंगे और उसमें जो सही होगा वही कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, एकदम कार्रवाई करेंगे सर। हम किसी भी कीमत पे कोई भी दोषी बचेगा नहीं। अगर ये अगर अपने से जो है कि वो साक्ष्य बना रहा है तो साक्ष्य बनाने का भी जो है कि धारा उस पर लगेगा। तो हम लोगों के पास वो वीडियो मेरे पास नहीं है, हमको दीजिए उसको जो है कि हम लोग देखते हैं कि वो वीडियो की सच्चाई क्या है। अगर उसमें सच्चाई होगी तो उस पर जो है कि कार्रवाई हम लोग करेंगे। बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।